नाइन्थ, कृषक तथा आदिवासी आंदोलन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 46। भारत के प्रमुख कृषक आंदोलनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय किसानों के हितों पर भारी चोट हुई। सरकार, जमींदारों तथा समूहकारों ने उनका डटकर शोषण किया। फलस्वरूप किसान के में घोर असंतोष उत्पन्न हुआ। 19वीं शताब्दी में किसानों के अनेक विद्रोह हुए जो निम्न प्रकार हैं। पहला, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में। छोटा नागपुर के संथालों का विद्रोह जनजातियों के विद्रोहों में सबसे अधिक व्यापक था। संथालों ने जंगली जमीन को साफ करके खेती योग्य बनाया और उस पर वे खेती करने लगे, किंतु मैदानी भाग के जमींदार उस भूमि पर कब्जा करने लगे और राजस्व देने के लिए उनको बाध्य किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त संथालों को विभिन्न तरीकों से तंग किया गया। संकट उस समय पैदा हुआ जब स्थानीय साहूकारों ने पुलिस से मिलकर अपने घरों में मामूली चोरी करने के अपराध में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। इससे उत्तेजित होकर आदिवासियों ने दरोगा की हत्या कर दी और उन्होंने संगठित होकर साहूकारों तथा जमींदारों पर हमला बोल दिया। उन्होंने साहूकारों के मकानों और कचहरियों के दस्तावेज सहित जला दिए। दस्तावेजों को वे लोग अपनी गुलामी का कारण मानते थे। उन्होंने मैदानी लोगों की खड़ी फसल को जला दिया, रेल व्यवस्था को तहस नहस कर दिया और इंजीनियरों के बंगलों को नष्ट कर दिया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता सीधे तथा कान्हू थे। ब्रिटिश सरकार की सेना तथा पुलिस ने इस आंदोलन को कुचल दिया। 1855 ईस्वी में उनकी भूमि को विनया रहित जिला घोषित करके उन्हें पूर्ण रूप से दंडित किया गया। सेना के विद्राहियों के हथियार ही नहीं छीने बल्कि उनकी डुगडुगियां भी रखवा ली, जिनको बचा बचा कर वे लोगों को युद्ध के लिए आमंत्रित करते थे। दूसरा, बंगाल का नील आंदोलन 1859 से 1861। 19वीं शताब्दी की 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में किसानों के जो अनेक विद्रोह हुए उसमें बंगाल का नील आंदोलन सबसे अधिक व्यापक और उग्र था। लगभग पूरा दक्षिणी बंगाल किसान उपद्रवों की लपेट में आ गया था। अंग्रेज व्यापारी लोग नील के रंग का उत्पादन करते थे जिससे उन्हें भारी लाभ होता था। नील की खेती के लिए उनके अपने बागाम थे जिनमें वे किराए के मजदूरों से खेती करवाते थे, किंतु नील के अधिकांश उत्पादक का बोझ किसानों पर पड़ता था। बागामों के मालिक किसानों से नील के उत्पादन के लिए संविदा कर लिया करते थे, जिसके अनुसार किसानों को अपने खेतों में नील का उत्पादन करना पड़ता था और उपज बागाम मालिकों को कम मूल्य में बेचनी पड़ती थी। किसानों को नील का जो मूल्य बागाम मालिकों से मिलता था वह लागत से कम होता था। यदि किसान अपने खेत में चावल पैदा करता तो उसको अधिक लाभ होता। इसके अतिरिक्त किसानों को एक अन्य प्रकार के शोषण का भी सामना करना पड़ता था। उन्हें खेती के लिए बागाम मालिकों से ऋण लेना पड़ता था। किसान अनपढ़ थे और ऋण का हिसाब बागाम मालिकों के पास रहता था।
जिसमें वे बहुत घोटाला करते थे। फलस्वरूप किसान ऋण कभी नहीं चुका पाते थे और उसके बोझ से सदैव लदे रहते थे। सरकार ने 1860 ईस्वी में एक कानून बना दिया जिससे मालिकों के अधिकार सुरक्षित होंगे। अंत में किसान इन अत्याचारों का प्रतिरोध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने नील की खेती करना, जिससे उन्हें हानि ही हानि होती थी, बंद कर दिया। यह एक प्रकार की हड़ताल थी। विद्रोह का रूप इतना उग्र था कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भी आतंकित हो गया। सरकार को विश्वास हो गया कि विद्रोह के पीछे संगठन भी था और हजारों किसान मर मिटने के लिए तैयार थे। अंत में एक आयोग नियुक्त कर दिया गया जिसमें बागान मालिकों का भंडाफोड़ किया। सरकार ने किसानों को कुछ राहत देने का भी प्रयत्न किया। नील आंदोलन के दिनों में किसान ने महान साहस, सहन शक्ति और दृढ़ता का परिचय दिया। तीसरा, बारडोली का किसान आंदोलन। इस काल का सबसे प्रसिद्ध बारडोली का किसान आंदोलन था। बारडोली गुजरात के सूरत जिले का एक तालुका था। उस समय उसमें 137 गांव थे जिसकी जनसंख्या 87,000 थी। उस क्षेत्र के गांधीवादियों ने 1922 ईस्वी में ही रचनात्मक कार्य आरंभ कर दिया था, जिसमें उन्हें उल्लेखनीय सफलता मिली थी। बंबई सरकार ने किसानों पर 22% लगान बढ़ा दिया, जिसके विरुद्ध किसानों ने विद्रोह कर दिया, किंतु 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने पर यह आंदोलन भी स्थापित हो गया। यह आंदोलन पुनः 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ किया। वल्लभ भाई पटेल ने गांधीवादी शांतिपूर्ण ढंग से लगान बंदी आंदोलन चलाया। सरकार ने दमन चक्र तेजी से और क्रूरतापूर्वक चलाया और किसानों की भूमि तथा पशु कुर्क कर लिए गए। इस आंदोलन की विशेषताएं थी, प्रथम, देहाती क्षेत्र के विभिन्न वर्गों और समुदायों की एकता पर बल दिया गया। दूसरे, उन क्षेत्रों में जातीय और धार्मिक संगठनों तथा नेताओं में भी भरपूर सहयोग दिया। आंदोलन पूर्णतः शक्तिपूर्ण चलाया गया। बारडोली की समस्या शीघ्र ही राष्ट्रीय समस्या बन गई। किसानों की सहायता के लिए अहमदाबाद के मजदूरों ने एक एक आना चंदा देकर 1,300 रुपया इकट्ठा कर लिया। मुंबई के व्यवसायियों ने मध्यस्थता करके समस्या को निपटाने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। इस पर मुंबई की विधान परिषद में इंग्लैंड मर्चेंट्स चैम्बर के प्रतिनिधि लालाजी नारंगजी ने परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। हर प्रकार के दमन के बावजूद किसान अडिग रहे। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और समझौता हो गया, जिसके अनुसार एक न्यायिक जांच समिति नियुक्त की गई और किसानों को जब्त की गई भूमि लौटा दी गई। जांच समिति ने स्वीकार किया कि प्रांत में लगान निर्धारण दोषपूर्ण है, अतः बारडोली में लगान 1,87,492 रुपयों से घटाकर 48,648 रुपये कर दी गई। पटेल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी लैंड लीग नाम की एक संस्था की स्थापना की और पूरे महाराष्ट्र तथा गुजरात में लगान वृद्धि के खिलाफ आंदोलन चलाने की योजना बनाई। मुंबई की सरकार को बाध्य होकर लगान वृद्धि की पूरी योजना
त्यागनी पड़ी और जुलाई 1929 ईस्वी में उसने घोषणा की कि जब तक संविधानिक सुविधाओं की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक लगान में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। चौथा, स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा बिहार का किसान आंदोलन। बिहार स्थायी जमींदारों बंदोबस्त का क्षेत्र था, अतः वहां किसानों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। तीसरे दशक में उस प्रांत में जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ उसी ने वास्तव में आगे चलकर अखिल भारत भारतीय रूप धारण कर लिया। इसका श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को था। 1927 ईस्वी में उन्होंने भीटा में एक आश्रम कायम कर लिया और किसानों में संगठन का काम आरंभ कर दिया। शीघ्र ही वे संपूर्ण बिहार में लोकप्रिय किसान नेता बन गए। 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई जिसने आगे चलकर अखिल भारतीय रूप धारण कर लिया। पांचवा, देश के अन्य भागों में किसान आंदोलन तथा संगठन। इस काल में देश के अन्य भागों में भी किसान आंदोलन चले और किसान संगठनों का जन्म हुआ। 1926 ईस्वी में भी पटियाला के महाराजा ने किसानों पर 19% लगान बढ़ा दिया। उसका विरोध करने के लिए 1928 ईस्वी में मनसा में पंजाब रियासती प्रजा मंडल कायम किया गया। बंगाल में 1929 ईस्वी में आक्रम खा अब्दुल रहीम तथा फजुल हक ने मिलकर प्रजा पार्टी नामक एक किसान संगठन कायम किया। वह मुख्यतः मुस्लिम जोतेदारों का संगठन था। मद्रास सरकार ने 1927 में 8.25% लगान बढ़ाने का संकल्प किया, जिसके फलस्वरूप आंध्र प्रदेश में तटवर्ती क्षेत्रों में शक्तिशाली आंदोलन चला जिसमें समृद्ध तथा बीच के दर्जे के किसान सम्मिलित थे। 1933 से 1934 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में रैयतवाड़ी क्षेत्र में प्रोविंशियल रैयत्स एसोसिएशन नाम का किसान संगठन स्थापित हो गया जिसके नेता एनजी रंगा थे। जमींदारी क्षेत्रों के लिए जमीन रैयत्स एसोसिएशन नाम का एक पृथक संगठन कायम किया गया। 1935 ईस्वी में साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ पेजेट्स एंड एग्रीकल्चर लैम्बर नाम का संघ स्थापित किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा अक्टूबर 1935 ईस्वी में साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ पेजेंट्स एंड एग्रीकल्चर लेबर का सम्मेलन हुआ। उसमें नम्रुद्दीपाद ने एक अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना करने का सुझाव दिया। उससे पहले 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हो चुकी थी। जनवरी 1936 ईस्वी में मेरठ में उसका सम्मेलन हुआ। उसमें सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने नम्रुद्दीपाद के युक्त सुझाव पर प्रचार किया। फलस्वरूप अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। अप्रैल 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में उसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। उसमें 20,000 किसानों ने भाग लिया। अगस्त 1936 में सभा
में किसानों की मांगों का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मुख्य मांगे इस प्रकार थी। पहला, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाए। दूसरा, लगान समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर 500 रुपयों से अधिक आय पर कृषि कर लगाया जाए। घोषणा पत्र में कुछ तत्कालिक न्यूनतम मांगों भी सम्मिलित थी। पहली, लगान में 50% की कटौती की जाए। दूसरा, किसानों को उनकी भूमि पर स्थायी अधिकार दिए जाए। तीसरा, बेगार बंद किया जाए। चौथा, ऋणों में कटौती की जाए और ब्याज की दर कम की जाए। पांचवा, किसानों के वन संबंधी परंपरागत अधिकार उन्हें वापस दिए जाए। किसान सभा में वर्ग भेद की समस्या प्रारंभ से ही खड़ी हो गई। किसानों के दो वर्ण थे, भूमिहर किसान और भूमिहीन किसान, अर्थात खेतीहर मजदूर। इन दोनों वर्गों में हितों में तालमेल बैठना कठिन काम था। अखिल भारतीय किसान सभा की तेजी से प्रगति हुई। 1938 ईस्वी में जब कोमिल्ला में उसका तीसरा अधिवेशन हुआ, उस समय 5,55,000 किसानों उसके सदस्य बन गए थे। 20 भाषाई देशों में 19 के प्रांतीय किसान सभाएं स्थापित हो गई थी। इस अधिवेशन में जमींदार प्रथा तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद दोनों के विरुद्ध संघर्ष का निश्चित कार्यक्रम बनाया। 1937 ईस्वी में अनेक प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। उससे किसान सभा को प्रोत्साहन मिला और उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। 1938 ईस्वी के पूरे वर्ष में लगभग सभी प्रांतों में किसानों ने संघर्ष चलाया, जिसमें उन्हें आंशिक सफलता की प्राप्ति हुई। इन संघर्षों में मुख्य मुद्दे थे, लगान में बढ़ोतरी न की जाए, किसानों की बेदखली न की जाए और उनके उनसे बेगार तथा गैर कानूनी कर न लिए जाए। इस काल में किसानों ने विशाल प्रदर्शन भी किए, जिसमें 30-30, 40-40 हजार किसान सम्मिलित हुए। किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए अनेक समाचार पत्र तथा पुस्तकें और पर्चे प्रकाशित किए गए। कांग्रेस मंत्रिमंडलों पर सुधारों के लिए दबाव डाले गए, जिनमें कुछ सफलता भी मिली। प्रश्न क्रमांक 47, आदिवासी आंदोलनों के कारणों की विवेचना कीजिए अथवा जनजातीय आंदोलन के कारणों पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, भारत में ब्रिटिश शासकों का विस्तार सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ। जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध विद्रोह हुए, उनका उन्होंने कठोरता से दमन किया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक जनजातियां फैली हुई थी। वे ब्रिटिश शासकों के प्रभाव क्षेत्र में बढ़ने से नाराज थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जनजातियों पर अपना राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। आदिवासी विद्रोह के प्रमुख कारण राजनीतिक कारण। पहला, आंतरिक स्वायत्तता पर अतिक्रमण। प्राचीन काल से ही भारत की विभिन्न जनजातियां स्वच्छंदपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। ब्रिटिश शासन ने जब उनकी
स्वेता छीनने की कोशिश करी तो वे विद्रोह के लिए मजबूर हो गए। दूसरा, जनजातियों के प्रमुखों पर नियंत्रण। ब्रिटिश शासकों को यह अनुभव हो गया था कि विभिन्न जनजातियां अपने प्रमुखों की आज्ञा का शत प्रतिशत पालन करती है। हैमिल्टन के अनुसार उनके प्रमुख मूर्ख, विलासी, अत्याचारी व अंधविश्वासी थे। अतः जनजातियों के प्रमुखों को नियंत्रण कर अंकुश लगाया जा सकता था, जबकि ब्रिटिश शासकों ने जनजातियों के प्रधानों को नियंत्रण करने का प्रयास किया, जो तो जनजातियां विद्रोह पर उतारू हो गई। तीसरा, जनजातियों क्षेत्रों पर अतिक्रमण। निहत स्वार्थवश अपनी सामरिक, व्यापारिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताएं की पूर्ति हेतु ब्रिटिश सत्ता ने विभिन्न जन जातीय क्षेत्रों में सड़कें बनवाई, रेलवे लाइन डाली, पुलिस थाने एवं सैनिक छावनियां स्थापित की। जनजातीय आजीविका के प्रमुख साधन थे और ब्रिटिश सत्ता ने इन जंगलों को अपने उक्त सर्वार्थों हेतु साफ किया तो जनजातियां आंदोलित हो उठी। चौथा, अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा जनजातियों का शोषण। जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन ने कई कर्मचारी नियुक्त किए जिन्होंने आदिवासियों का बहुविधि शोषण किया। आदिवासी इस शोषण से क्रोधित हुए और उन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। व आर्थिक कारण। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आदिवासी विद्रोहों के मूल में आर्थिक कारण सर्व प्रमुख थे, जो निम्नानुसार हैं। पहला, झूम खेती पर रोक। झूम खेती जनजातीय संस्कृति का एक प्रमुख अंग था। झूम खेती के तहत आदिवासी प्रत्येक वर्ष एक नवीन भूमि को चुनकर उस पर खेती करते थे, परंतु ब्रिटिश शासन ने उन्हें झूम खेती के स्थान पर स्थायी खेती हेतु बाध्य किया, जिसके तहत आदिवासियों को भूमि के लिए टुकड़े पर स्थायी रूप से खेती करने को विवश किया गया। इससे आदिवासी नाराज हुए और उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना। दूसरा, वनों पर नियंत्रण। प्राचीन समय में से ही आदिवासी जंगलों से अपना जीविकोपार्जन करते थे। जंगल उनके लिए शहद, फल फूल एवं लकड़ी आदि की प्राप्ति का प्रमुख साधन थे। खाद्य सामान एवं आखें, जो कि आदिवासी जीविका का प्रमुख आधार था, इसके लिए भी आदिवासी वनों पर निर्भर थे। अंग्रेजों ने 1870 ईस्वी में वन कानून लागू किया एवं 1875 ईस्वी में उसमें संशोधन किया। 1878 ईस्वी में जब भारतीय जंगल अधिनियम पारित किया गया तो आदिवासियों की जीविका पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासकों ने लकड़ी की प्राप्ति हेतु जंगलों को ठेकेदारी को दे दिया और इन ठेकेदारों ने भी जनजातियों का शोषण किया और वे आंदोलन हेतु बाध्य हो गए। तीसरा, भू राजस्व की वसूली। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आदिवासियों को भी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली मामले पर विवश किया।
जिसके तहत वे भी लागत के दायरे में आ गए, लगान के दायरे में आ गए। जब यह लगान सख्ती के साथ वसूल करने के प्रयास किए गए तो इन जनजातियों के पास आंदोलन करने के सिवा कोई मार्ग नहीं बचा। चौथा, जनजातियों का बहुविधि शोषण। ब्रिटिश शासकों ने जनजातियों का शोषण करने के लिए जमींदारों, ठेकेदारों एवं साहूकारों का बिचौलिए के रूप में इस्तेमाल किया और इस बिचौलिए वर्ग ने आदिवासियों का प्रत्येक स्तर पर शोषण किया। इस शोषण की इंतहा होने पर भोला भाला आदिवासी वर्ग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गया। सामाजिक कारण। पहला, सामाजिक प्रथाओं पर आघात। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने जो सामाजिक सुधार अधिनियम पारित किए वे आदिवासी को रास नहीं आए। जब वे कानून जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू किए गए तो इससे आदिवासियों में रोष उत्पन्न हुआ। उड़ीसा की खून जनजाति ने नर बलि प्रथा प्रचलित थी। जब इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया तो इस जनजाति ने विद्रोह कर दिया। दूसरा, उच्च वर्गीय समाज से दूरी। मध्यकाल तक उच्च वर्गीय हिंदू वर्ग एक आदिवासी समाज के बीच निकटता देखी जा सकती थी। राजपूताना के भीलों की राजपूतों से घनिष्ठता थी, परंतु 28वीं शताब्दी में इन दोनों वर्गों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। उच्च वर्गीय समाज आदिवासियों को अपने से हीन समझने लगे। इससे आदिवासियों वर्ग में असंतोष था और जब ब्रिटिश सत्ता ने भी इनकी सामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया तो यह असंतोष विद्रोही भावना में परिवर्तित हो गया। धार्मिक कारण। पहला, ईसाई धर्म प्रचारकों की भूमिका। उच्च वर्गीय हिंदू समाज आदिवासियों को अपने से निम्न समझता था। इस बात का फायदा ईसाई धर्म प्रचारकों ने उठाया और अपने धर्म प्रचार के लिए भारत के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों को चुना। उन्होंने जनजातियों की संस्कृति पर प्रहार भी किया। विभिन्न ईसाई मिशन चाहते थे कि आदिवासी शराब एवं ग्राम नृत्यकों से दूर रहें, जबकि आदिवासी नशीले पदार्थों के सेवन एवं नृत्य गान में रत रहना ही अपना जीवन का परम लक्ष्य समझती थी। ईसाई धर्म प्रचारकों ने आदिवासियों के पुरोहित हिति जादू टोने और भूत प्रेत संबंधित पुराने ख्यालों पर भी प्रहार किया, जिसे आदिवासियों ने अपनी संस्कृति पर प्रहार माना और वे आंदोलित हो उठे। दूसरा, प्राचीन गौरव की स्थापना की भावना। कुछ आदिवासी समाजों ने उनके नेताओं जिन्हें भगत कहा जाता था ने अपने अनुयायियों को समाज के उच्च आदर्शों का पालन करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को विश्वास दिलाया कि वे ऐसा करके अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भी आवाज उठाई। उक्त सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक कारणों के अलावा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आंदोलन में इसी समय कुछ प्रमुख आदिवासी नेताओं ने अभिभाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन नेताओं ने बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, सेवरम
चितर सिंह एवं गोमधर कुंवर आदि के नाम प्रमुखता के साथ लिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 48, भारत के प्रमुख आदिवासी विद्रोहों का कारण लिखिए। उत्तर, जनजातियों का नाराजगी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह में बदल गई। जनजातियों ने लगभग 100 विद्रोहों में भाग लिया, किंतु उनमें कुछ विद्रोह महत्वपूर्ण थे। पहला, खासी विद्रोह। सर्वप्रथम खासी विद्रोह हुआ। खासी जाति के लोग असम की जैनहिया और गैरा पहाड़ियों के बीच में प्राचीन काल से रह रहे थे। बर्मा युग को जीतने के पश्चात ब्रिटिश शासकों ने ब्रह्मपुत्र की घाटी में अपना अधिकार जमा लिया और एक प्रशासनिक अधिकारी स्कॉट को अपना राजनीतिक दलाल नियुक्त किया था। स्कॉट ने सैनिक रास्तों को छोटा करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र को सियालहट से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने का विचार किया। इसके पीछे उसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि खासियों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ईस्वी में उसने खासियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निश्चय किया। खासी लोगों ने सड़क निर्माण के कार्य का समर्थन नहीं किया। अंग्रेजों ने खासियों के विचारों पर ध्यान दिए बिना ही सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उनके सड़क बनाने के लिए कार्य करना अनिवार्य कर दिया। इसके अतिरिक्त विदेशियों ने अनेक कार्यों में पहाड़ी जनता को अनेक असुविधाएं पैदा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप खासियों के नेताओं ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का निर्णय लिया। पहाड़ी राज्यों के बहुत से खासी प्रमुखों ने तिरुत सिंह के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। 5 मई 1829 को खासियों ने एक दल ने, जिसको गारो से सहायता प्राप्त थी, नकलोक पर हमला किया और अनेक विदेशियों का वध किया। उन्होंने सभी सड़क बनाने के बंदी कर्मचारियों को रिहा कर दिया और चेरापूंजी की ओर बढ़े। इससे प्रेरणा प्राप्त करके अन्य खासी प्रमुखों को भी विद्रोह में शामिल होने का साहस हुआ। शीघ्र ही कुछ अन्य पहाड़ी लोगों में भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़क उठा। दूसरा, कोलों के विद्रोह। मध्य भारत में छोटा नागपुर की कोल जनजातियों ने ब्रिटिश शासकों के बढ़ते प्रभाव को बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने विद्रोह का रास्ता अपनाया। कोलों की जनजातियों पर छोटा सरकार शासन करता था, छोटा सरदार शासन करता था और उन्हें 50 वर्षों तक स्वतंत्र रहने का घमंड था। अंग्रेजों ने सिंह भूमि के क्षेत्र के आर्थिक क्षेत्र में जो घुसपैठ की थी, उसका इन जातियों ने घोर विरोध किया। बोराहट के राजा ने भी अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए विद्रोह किया। अंग्रेजों ने राजा के साथ एक समझौता भी किया, जिसमें सालाना शुल्क देने का प्रावधान किया गया, किंतु फिर भी यह विद्रोह शांत नहीं हो सका और जनजातियों ने अंग्रेजों को अनेक प्रकार से परेशान करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को डुबाने के लिए दमन का सहारा लिया।
जनजातियों के बहुत से गांव जला दिए गए और तमाम लोगों को मार डाला। अंत में बाध्य होकर 1827 ईस्वी में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु उनमें विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हुई। उदाहरण के लिए 1831 ईस्वी में जब छोटा नागपुर में मुंडाओं ने अंग्रेजों से विद्रोह किया तो उसमें कोलों ने भी साथ दिया था। तीसरा, मुंडा विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में सबसे शक्तिशाली 1899 से 1900 का मुंडा विद्रोह था, जिसका नेता बिरसा मुंडा था। कहा जाता है कि 1895 में परमात्मा ने बिरसा को दर्शन दिए। लोग उसे ईश्वर का अवतार मानने लगे और उसे भगवान कहने लगे। हजारों लोग उसके अनुयायी बन गए और उसके उपदेश सुनने आने लगे। सरकार ने समझा कि इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना और स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना है। अतः उसने बिरसा तथा उसके कुछ साथियों को दो दो वर्ष के कारावास का दंड देकर जेल में डाल दिया गया। 1898 में बिरसा कारागार से मुक्त हुआ। सरकार ने व्यवहार ने उसे विद्रोही बना दिया। उसने अपने साथियों को एकत्रित किया और उन्हें धनुष बाण तथा तलवार चलाने की शिक्षा दी। 1899 में बड़े दिन से पहले मुंडाओं में रांची तथा सिंहभूम के जिले में उपद्रव खड़े कर दिए और अनेक गिरजाघर जला दिए। अगले वर्ष उन्होंने पुलिस पर आक्रमण किया, किंतु 9 जनवरी 1900 को एक संघर्ष में मुंडाओं की पराजय हुई। लगभग 200 मुंडा मारे गए। बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और 4 माह बाद जेल में हैजा से उसकी मृत्यु हो गई। 3 मुंडाओं को फांसी पर लटका दिया गया और 44 को काले पानी की दंड दिया गया। मुंडा लोग आज भी बिरसा को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। यद्यपि मुंडा विद्रोह का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सीधा संबंध जोड़ना उचित नहीं होगा, किंतु इसमें संदेह नहीं था कि विद्रोह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मुंडाओं के गहरे असंतोष का तथा उनके ज्वलंत सिद्धांतों प्रेम का परिणाम था। चौथा, संथालों का विद्रोह। बिहार क्षेत्र में मुशराबाद तथा बंगाल को मिलाने वाला क्षेत्र में एक प्राचीन जनजाति रहती थी, जो संथाल के नाम से जानी जाती थी। संथालों ने 1855 से 56 में विद्रोह किया। प्रारंभ में संथाल विद्रोह का उद्देश्य आर्थिक दशा में सुधार करना था। ब्रिटिश शासकों के प्रति उनमें कोई गलत भावना नहीं थी। विद्रोह मुख्य रूप से बंगाल तथा उत्तरी भारत द्वारा सभ्य लोगों के लिए चलाया गया था, किंतु जब उन्होंने पाया कि उनका दमन किया जा रहा है तथा बिना किसी शिकायत के परेशान किया जा रहा है, तो वे सरकार के विरोध में हो गए। बाद में जून 1855 ईस्वी में करीब 10,000 संथालों ने सिंधु तथा कान्हू दो भाइयों के नेतृत्व में यह घोषणा की कि संपूर्ण देश पर अधिकार करके अपनी सरकार बनाएंगे। उन्होंने अपनी सरकार का गठन भी कर लिया। संथालों ने संगठित होकर डाक तथा रेल व्यवस्था को भागलपुर
तथा राजमहल के बीच नष्ट करके इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। संथालों ने कंपनी के नियमों को नष्ट कर दिया और अपना राज्य कायम कर दिया। अंग्रेजों ने संथालों के विद्रोह को कुचलने के लिए एक विशाल सेना बनाई भेजी। संथालों ने जंगलों में छिपकर अंग्रेज सेना पर आक्रमण करने की नीति अपनाई। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सेना संथाल नेताओं को पकड़ने में सफल हुई। इन नेताओं को सेना ने ब्रिटिश अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। नेतृत्व विहीन स्थिति में अंग्रेज सेना के संथालों पर अमानवीय अत्याचार किए और विद्रोह को कुचल दिया। संथालों ने एक नया आंदोलन चलाया जिसे खरवार आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संथालों के पूर्व है के सुनहरे युग को वापस लाना था। पांचवा, रामपा विद्रोह। रामपा जनजाति के लोग गोदावरी की घाटी के में निवास करते थे। 1879 से 80 तक अंग्रेजों के दमन तथा अन्याय के विरोध में रामपा विद्रोह हुआ। इस आंदोलन को चलने के लिए अंग्रेजों ने चेन्नई से एक सेना भेजी जिसने इस आंदोलन को कुचल दिया। किंतु दो वर्ष के अंतराल में ही अशांति फिर शुरू हो गई और अंग्रेज सेना ने इस विद्रोह को भी कुचल दिया। जनजाति के विद्रोह पर यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि जनजातियों ने अंग्रेज के अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद की व अंग्रेज के विरोध में कई विद्रोह किए थे। यद्यपि इन विद्रोहों को अंग्रेजों ने कुचल दिया किंतु वे अंग्रेजों के सामने बराबर अनेक समस्याएं खड़ी करते रहे। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 49। जनजातीय विद्रोहों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, आधुनिक भारत में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध होने वाले आदिवासी आंदोलनों ने असीम शौर्य एवं बलिदान का परिचय दिया। यह अपनी असीमता एवं जीविका के साधनों को बचने के लिए एक ऐसा जुझारू संघर्ष था जिसमें आदिवासियों ने अपने एकजुटता एवं साहस का परिचय दिया। बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तीरथ सिंह, अल्लू सीताराम राजू जैसे नेताओं ने अपने नेतृत्व में जनजातियों को संगठित कर सीमित संस्थाओं के साथ ब्रिटिश सेना को करारी टक्कर दी। आदिवासी समाज अपने जंगलों के साथ अमन चैन की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। औपनिवेशिक सत्ता ने निहित स्वार्थवश उसका अमन चैन छीन लिया। व्यापारिकों, साहूकारों, महाजनों, ठेकेदारों और बिचौलियों के रूप में रखकर जनजातियों का बहुविधि शोषण कराया। हर स्तर पर अपना शोषण होता देख आदिवासी समाज तिलमिला उठा और उसके धैर्य का बांध टूट गया। ऐसे में उसके पास आंदोलन एवं विद्रोह के अलावा और कोई मार्ग शेष नहीं बचा। विभिन्न आदिवासी नेताओं ने अपने आप को देवीय शक्तियों से युक्त बताकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध समस्त जनजाति को अपने नेतृत्व में लामबंद किया, परंतु वे यह भूल गए कि वे एक ऐसी क्रूर एवं अमानवीय सशक्त शक्ति से मुकाबला करने जा रहे हैं जो अपनी दमनात्मक कार्यवाही में क्रूरता की प्रत्येक सीमा लांघ सकती है। और ऐसा हुआ भी। अंग्रेजों ने इन आदिवासी विद्रोहों का अत्यंत क्रूरतापूर्वक दमन किया।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, संथाल विद्रोह कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन 1850 ईस्वी को, सेकंड ऑप्शन 1851 ईस्वी को, थर्ड ऑप्शन 1853 ईस्वी को, फोर्थ ऑप्शन 1855 ईस्वी को, और इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन 1855 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया? पहला, बारडोली का किसान आंदोलन, दूसरा संथालों का आंदोलन, तीसरा बंगाल का नील आंदोलन, या चौथा बिहार का किसान आंदोलन? और इसका सही उत्तर है चौथा, बिहार का किसान आंदोलन। तीसरा प्रश्न, बारडोली ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा खान अब्दुल गफर खां, चौथा लाला लाजपत राय। और इसका सही उत्तर है पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? पहला 1934 ईस्वी, दूसरा 1935 ईस्वी, तीसरा 1936 ईस्वी, या चौथा 1937 ईस्वी? और इसका सही उत्तर है तीसरा, 1936 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न, खासी विद्रोह कब हुआ? पहला 1929 ईस्वी में, दूसरा 1930 ईस्वी में, तीसरा पहला 1829 ईस्वी में, दूसरा 1830 ईस्वी में, तीसरा 1831 ईस्वी में, या चौथा 1832 ईस्वी में? इसका सही उत्तर है पहला, 1829 ईस्वी में। छठा प्रश्न, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पहला महात्मा गांधी, दूसरा सिंधु, तीसरा कान्हू, चौथा बिरसा मुंडा। और इसका सही उत्तर है चौथा, बिरसा मुंडा। सातवां प्रश्न, संथालों में सर्वप्रथम अपना नेता किसको चुना? पहला सिंधु तथा कान्हू, दूसरा भागीरथी मंझी, तीसरा कांडो, चौथा बिरसा। और इसका सही उत्तर है पहला, सिंधु तथा कान्हू।